अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पोहे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप इस नाश्ते को तुरंत बनाकर खा सकते हैं। तो आइए पोहे का यह टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बोल ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी पोहा। आपके पास में मोटा या पतला जैसा भी पोहा अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहा डालने के बाद में अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पोहे को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और पोहे को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद में ये पानी निकाल कर हम अलग रख लेंगे और उसके बाद में 5 मिनट तक पोहे को हम सेट होने देंगे। तो ये देखिए, पानी हमने निकाल कर फेंक दिया है और 5 मिनट के लिए मैंने पोहे को इसी तरीके से रहने दिया। और उसके बाद में अब हम इसके अंदर डालेंगे आधी कटोरी सूजी, यानी कि एक कटोरी पोहा अगर आपने लिया है तो आधी कटोरी सूजी इस्तेमाल करें। और उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही। दही मैंने ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल खट्टा दही इस्तेमाल किया है। और दही डालने के बाद में इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे, यानी कि हमें बिल्कुल पतला बैटर नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा बैटर ही रखना है। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का आपको एक गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है। और उसके बाद में हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल के तैयार हो जाए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम इसको एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, घोल बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है क्योंकि सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो अब हम इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं एक मीडियम साइज प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसके अंदर डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसके बाद में हम एक मीडियम साइज टमाटर, जो कि मैंने बारीक काट के रखा है, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद में 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। इसके बाद में 1/2 छोटा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर अपने पसंद की सब्जियां भी डालकर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सब्जियां ना हो तो आप इसको इसी तरीके से सिर्फ प्याज टमाटर डालकर ही बना सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो एकदम से बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इस तरह का गाढ़ा बैटर बना के तैयार किया है। और आपको बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसके बाद में अब हम एक नॉनस्टिक पैन ले लेते हैं और उस पर थोड़ा सा तेल डालकर तेल को अच्छी तरीके से तवे पर फैला देंगे। तवे को अच्छी तरीके से ग्रीस करने के बाद में बीच में थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। और इसके बाद में तवा जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम थोड़ा सा बिल्कुल कम कर लेंगे। और बैटर को तवे पर डालने से पहले अच्छी तरीके से एक बार वापस से हिला लें, क्योंकि सूजी तले में बैठ जाती है। और उसके बाद में तवे पर आप इस तरीके से छोटी साइज़ के चीले बनाकर तैयार कर लें। आप इसको बड़ी साइज़ में भी बना सकते हैं और इस तरह से छोटी साइज़ में भी बना सकते हैं। इसके बाद में इसके किनारों पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। जब ये नीचे से अच्छी तरीके से सिक जाए तो इसको हम पलट लेंगे। और इसके बाद में अब हम
लो और मीडियम फ्लेम पर हम इसको बारी बारी से दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और वापस से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। बीच में थोड़ा सा तेल डाल देंगे और वापस गोल को अच्छी तरीके से हिलाते हुए तवे पर इस तरीके से फैला देंगे। इसको भी हम लो और मीडियम फ्लेम पर बारी बारी से दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से सेक के ये भी तैयार हो चुके हैं। तो इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं, यानी कि इस गोल के अंदर कम से कम 7 से 8 ऐसे चीले बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में इसको हम सॉस के साथ में सर्व करेंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।